हेलो गाइस, कैसे हो? मेरे ख्याल से अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है राकेश चौधरी और आप देख रहे हैं आरसी मीडिया। कांग्रेस ये सोच रही है कि लोग हमें वोट क्यों नहीं दे रहे, इसके लिए वो पैसे भी खर्च कर रहे हैं। एक पूरी टीम बिठा रखी है कि पता करो कि लोग हमें वोट क्यों नहीं दे रहे। मैं कांग्रेस के इस सवाल का उत्तर दे देता हूँ और उनकी जो खोजबीन है उसको आसान कर देता हूँ कि लोग तुम्हें वोट क्यों नहीं दे रहे। थोड़ी सुनने की हिम्मत रखना। लेकिन हाँ, मेरे इस जवाब में आपको ये पता चल जाएगा कि लोग आपको वोट क्यों नहीं दे रहे। मैं एक एक करके सारे पॉइंट बताऊंगा कि आपको लोग वोट क्यों नहीं दे रहे। हज के लिए आप सब्सिडी देते थे, लेकिन अमरनाथ यात्रा के लिए आप टैक्स लगाते थे। गाय के स्लॉटर हाउस पे आप सब्सिडी देते थे, लेकिन गौशाला पे आप टैक्स लगाते थे। सुनते जाना सारे कारण। मुस्लिम लड़कियों को 50,000 रुपये शादी के लिए दिए जाते थे, लेकिन हिंदू गरीब लड़कियों को कुछ नहीं मिलता था। नवरात्रि में डीजे बैन होता था और नमाज के लिए लाउड स्पीकर अलाउ होता था। मस्जिदों में फ्री बिजली मिलती थी और मदरसा के लिए अलग से फंड मिलता था, लेकिन मंदिरों पर टैक्स लगता था। बांग्लादेश से आए हुए मुस्लिमों के लिए वोटर आईडी कार्ड भी बन जाता था, लेकिन पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं के लिए वोटर आईडी कार्ड नहीं। मुस्लिम लड़कियों को 30,000 की स्कॉलरशिप देते थे, लेकिन हिंदू लड़कियों को नहीं। अबू सलीम को VIP जेल में रखा गया, जबकि साध्वी प्रज्ञा को टॉर्चर किया गया। क्यों? रमजान के समय 24 घंटे बिजली देते थे, लेकिन दीपावली के समय पावर कट। मस्जिद में इमाम के लिए भत्ता दिया जाता था, लेकिन मंदिर में पुजारी के लिए नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मुस्लिमों के लिए क्यों, मैं ये बोल रहा हूं कि हिंदुओं के लिए क्यों नहीं। अब बात कर लेते हैं वन रैंक वन पेंशन की। 1973 में इंदिरा गांधी ने वन रैंक वन पेंशन का बेनिफिट हटा दिया था, किसी ने कुछ नहीं बोला। सोनिया ने वन रैंक वन पेंशन 2004 से 2014 तक लागू नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं बोला। मोदी ने इस 40 साल के इश्यू को 1.5 साल में लागू कर दिया, सारे लोग मोदी से सवाल पूछने लगे, मोदी की आलोचना करने लगे। इसीलिए लोग आपको वोट नहीं देते और ना मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में आपको वोट दिया जाएगा। जितने डिजिट में भारतीयों के मोबाइल नंबर होते हैं, उससे ज़्यादा डिजिट में तो आप घोटाले करते थे, फिर भी आपको कारण ढूंढने पड़ रहे हैं कि आपको लोग वोट क्यों नहीं दे रहे हैं। बता रहा हूँ सारे कारण, गिनते जाओ। 4 जनवरी 1990 को कश्मीर के उर्दू अखबार की सुर्खियाँ थी कि कश्मीरी पंडित या तो कश्मीर छोड़ दें या मरने के लिए तैयार हो जाएं, और यही आवाज़ें मस्जिद के लाउड स्पीकर में से आ रही थी। 19 जनवरी 1990 यानी 15 दिन बाद कई हिंदू बच्चों और मर्दों को वहीं पर मार डाला और हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार करके उन्हें जिंदा जला दिया गया। वहाँ पर मंदिर तोड़े गए जहाँ पे कश्मीरी पंडित रह रहे थे, उनके मकान तोड़े गए। 5 लाख कश्मीरी पंडित वहाँ से अपनी जान बचा के भागने में कामयाब हुए। पॉलिटिशियंस, मीडिया, पुलिस सब तमाशा देख रहे थे। फिर भी आप सोच रहे हो कि लोग हमें वोट क्यों नहीं दे रहे। आपको नहीं सोचना चाहिए कि लोग आपको वोट क्यों नहीं दे रहे। मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि लोग आपको वोट क्यों नहीं दे रहे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।